अच्छे से मिक्स करना है। कंडेंस मिल्क और हमारा पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए। पनीर और कंडेंस मिल्क मेरा अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो दैट मीन्स ये अब कुक हो चुका है और इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, डोम हमारा ठंडा हो गया है और ये सेट हो गया है आगे के प्रोसेस के लिए। अब यहीं से इस डो को मैं तीन जगह डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैं तीन अलग अलग तरह के मोदक बना रहा हूँ। हम बनाएंगे रोज़ संदेश मोदक। उसके लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ गुलाब की पत्तियाँ, थोड़ा सा रोज़ वाटर, आप चाहे तो एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, एडिबल रेड कलर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास एडिबल कलर नहीं है तो आप बीटरूट का वाटर भी यूज़ कर सकते हैं कलर देने के लिए। कलर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट फ्रिज में रेस्ट के लिए रखेंगे। नेक्स्ट मोदक में मैं फ्लेवर दूंगा पान का, तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसके अंदर डालूंगा ग्रीन कलर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकिंग के जो कलर्स होते हैं वो आपको मार्केट में एडिबल फूड कलर के नाम से मिलेंगे, वो ही यूज़ करें। ये भी मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको भी मैं रेस्ट के लिए रखूंगा 10 से 15 मिनट के। नेक्स्ट जो हमारा मोदक का फ्लेवर है उसमें मैं ऐड करूंगा केसर, इसको भी हम वैसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा केसर मोदक फ्लेवर का बेस रेडी है, इसको भी हम 10 से 15 मिनट रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो हमारे तीनों फ्लेवर्स के जो हमारे मोदक के डो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आइए अब हम इनको मोदक की शेप देते हैं, और जिसमें हम स्टफिंग करेंगे वो है हमारा एक तो पान वाला मोदक और हमारा रोज़ मोदक। तो सबसे पहले ये लिया हमने, इसको अच्छे से हमने दबा दिया साइड्स में भी। ड्राई फ्रूट्स, काजू है इसमें, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, इसको मैंने चॉप कर रखा है। थोड़ा सा इसमें मैंने कोकोनट, डेजिग्नेटेड कोकोनट भी ऐड किया है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट को भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम प्रेस करेंगे। ये तैयार है हमारा। लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।